खेत के लिए, खेत का और खेत के द्वारा, खेत के लिए ये करना है, खेत का जो उगता है उसका उपयोग करके और खेती के द्वारा, ये कहलाता है जैविक खेती। तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीम की, नीम की पत्ती वहाँ कहीं पड़ी होगी उठा लेते हैं। तो नीम, गोबर और गौमूत, ये तो हमारे गांव में मिल जाएगा ना, बस उसको डाल के आपका प्रपोर्शन आपके हिसाब से, 5 लीटर में 5 किलो पत्ती डाल दो, 1 किलो गोबर डाल दो, ठीक है ना। इसमें ये पत्ती होती है, इसको ऐसे ऐसे निकालना है और इस तरह करके इसमें डाल देना, ठीक है ना। इसमें गौमूत्र पहले से है, ठीक है, गोबर है, और उसको डाल के ऐसे घुमा देना। अब इसका उपयोग क्या है, कभी भी कोई कीड़ा लगे, कोई भी कीड़ा लगे, इसको निकाल के इसमें 5 गुना पानी मिला के और डाल देना। मतलब ये तुरंत भी कर सकते हैं और इसको बाद में भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे तुरंत करेंगे तो उसके लिए क्या है, तुरंत करना है तो इसको थोड़ा उबालना पड़ेगा। उबालने से क्या होगा, पत्ती का रस निकल आएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा और उसको छान के फिर डाल देंगे। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये तो आपके यहाँ है, मैं कोई भी अलग चीज नहीं बताऊं, जो आपके यहाँ होता वही चीज बात कर रहे हैं, कर सकते नहीं है। अब आपका देखिए, पेस्टिसाइड का खर्चा बच गया, मार्केट से जो बाजार से आप दवाई लाते उसका खर्चा बच गया, जाने आने का टाइम बच गया और पेट्रोल का पैसा बच गया, बचा ना, इसमें लगा दो। इसमें क्या खर्चा लगा, तो फिर करना क्या चाहिए, जिसमें खर्चा नहीं वो करना चाहिए ना, ठीक है। अब आते हैं हम ये बेस डिकम्पोजर पे, बेस डिकम्पोजर बताए जैसे, पहले सुना थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये डिब्बी है, ठीक है, इस डिब्बी में जामन है, जामन पानी लेना है आपके हिसाब से, पानी जितना आपके पास डिब्बा है, वैसे 100 लीटर में 1 किलो गुड़ लगता है और ये डिब्बी लगती है, ठीक है। इसको कुछ नहीं ऐसे खोलना है, ये बना है, इसमें और हम डाल देते हैं इसको, ये देखिए ये है, इसको इसमें डाल दिया, गुड़ पहले से था, पहले से बना था, इसको डाल के एक बार दिन में घड़ी के हिसाब से और एक बार ऐसे, मतलब आपको इसको घुमा के मिलाना है, मेन मकसद मतलब ये है, और मिला के इसको हमने इसको रख दिया, बस इतना काम है। कितने दिन, 5 से 6 दिन, ठंडी में थोड़ा ज़्यादा दिन रखना पड़ता है, गर्मी में 5 दिन में ही ये एकदम ऐसे दिखने लगता है। ये देखिए थोड़ी सी इसमें स्मेल भी आने थी, सड़ांद की स्मेल आएगी, ठीक है, बदबू, तो समझ लीजिए आपका बन गया। अब इसको उपयोग क्या करना है, खेत में आपको जैसे बर्धक डालते हैं, यूरिया डालते हैं खाद बढ़ाने उसके पोषण, वो ना करके इसको आप डाल दीजिए। इसको यदि आप अपने खेत में जैसे 4 महीने की फसल है, यदि 4 से 5 बार यदि आपने इसमें स्प्रे कर दिया तो आपको खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बर्धक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कीड़े मार दवाई भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितने खर्चा आया, गुड़ भी तो लगा 50 रुपये, बहुत महंगा हो गया, तो कर लेना चाहिए ना, ये क्यों नहीं कर रहे हम लोग, जानकारी मिल गई ना। तो ये डिब्बी आप लोग ले जाएंगे और इसको पूरे गांव में बांटेंगे, ठीक है ना, एकदम ईमानदारी से बांटिए। इसलिए बांट दीजिए, जैसे आपके यहाँ दही बनाते ना, ये जामन है,